तो ये तो बेनिफिट्स की वीडियो होगी, उसके साथ साथ लगातार करंट अफेयर्स की वीडियोस बन के आपको उस पर्टिकुलर मेंटर से पोस्ट होती रहती है। आपको मेन पेज पर आपको अलगार परिषद हुई, वहां पर कुछ भड़काऊ भाषण दिए गए, उस भड़काऊ भाषण के चलते अगले दिन ही मतलब तो फर्स्ट डे ऑफ 2018 जनवरी पवाल शुरू हो गया, वायलेंस हुआ, कुछ लोगों की जान भी गई, बहुत सारे लोगों को चोट भी लगी। अब जब NIA ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की तब पता चला कि भाई एक ऑर्गेनाइज तरीके से वायलेंस फैलाने का यहाँ पे प्लान। अब जिसके ऊपर भी यहाँ पे जो भी इल्जाम लगाएगा सरकार के द्वारा इंटीग्रिटी में जाने के बजाय बात की जा रही है बेल प्रोविजन की, अगर आपके अंदर इल्जाम लगाए गए हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले। निगाहों से भला क्यों इंसान तेरे साथ इल्जाम उठा ले अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले। मिटने से बचा ले अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले। पतवार बना ले अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले दाव लगा ले। बहुत सारे टेम्पो मुझे मालिक के पास गया जा रहा तो बोला जा रहा है कि भाई ये तो गाय का मीट है, सब चेक किया नहीं गया कि गाय का मीट है या नहीं है, बस अटैक कर दिया गया, लोगों को चोट आ गई, कई किस्म में गाय का मीट मिलता भी है, तो ये सब चीजें रुकनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन स्कूला वाला वर्सेस जनरल ने बोला भी है, इस पर्टिकुलर केस को जरूर याद रखिएगा दोस्तों। इस प्रकार